दोस्तों जैसे कि आपको पता ही है ना, पाकिस्तान में आतंकियों का खतरा हर कदम पर मंडराया रहता है। कौन सा आतंकी संगठन यहाँ कब किसको निशाना बना ले यह पता ही नहीं चलता है। हाल ही में पेशावर में धमाका हुआ था, जिसके बाद रविवार 5 फरवरी को कैटा के नवाब अकबर बुख्ती स्टेडियम से कुछ ही दूरी पर एक ब्लास्ट हुआ। यह ब्लास्ट पुलिस लाइन के एरिया में हुआ, जिसमें आतंकी संगठन ने सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाने की बात भी कबूली है। खास बात यह रही कि उसी वक्त बुख्ती स्टेडियम में PSL का प्रदर्शनी मैच भी चल रहा था, जहां बाबर आजम और शाहिद अफरीदी जैसे स्टार खिलाड़ी भी मौजूद थे। पाकिस्तान की इंटरनेशनल टीम के कप्तान बाबर आजम और दिग्गज पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी सहित शीर्ष पाकिस्तानी क्रिकेटरों को स्टेडियम से कुछ ही मील की दूरी पर हुए आतंकी हमले के बाद महफूज किया गया। सुरक्षा के लिए इन सभी स्टार खिलाड़ियों को डगआउट या स्टैंड से फौरन ड्रेसिंग रूम में ले जाया गया। ये खिलाड़ी पाकिस्तान सुपर लीग का एक एग्जीबिशन मैच खेल रहे थे, जिसे इस धमाके के बाद कुछ देर के लिए रोक भी दिया गया था। यह विस्फोट पुलिस लाइन क्षेत्र में हुआ, जिसमें 5 लोगों के घायल होने की भी खबर मिली है। दोस्तों धमाके के बाद एक बार फिर पाकिस्तान में डर का माहौल बन गया है। ये मैच देखने आए लोग इस धमाके के बाद इधर उधर भागने लगे, क्योंकि इस मैच को देखने के लिए स्टेडियम पूरा खचाखच भरा हुआ था दर्शकों से। जैसे ही धमाका हुआ, कुछ देर के लिए इस मैच को रोक दिया गया और सभी प्लेयर को ड्रेसिंग रूम में ले जाया गया। लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही मैच को फिर से स्टार्ट किया गया और मैच को कंप्लीट कर दिया गया, क्योंकि ये एग्जीबिशन मैच में दूर दूर से लोग आए थे और यहाँ सेलेक्टर्स भी आए थे और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मैनेजमेंट भी आए थे यहाँ पे। लेकिन दोस्तों इससे तो पता चलता है कि पाकिस्तान में कोई भी महफूज नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे इंटरनेशनल मैच जब होते हैं तब बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट होती है। और कोई कोई टीम आती है, अगर टीम आती है तो उसमें हर एक प्लेयर यहाँ आने की हामी नहीं भरता है। तो दोस्तों देखते हैं आगे के कुछ टाइम बाद क्या पाकिस्तान में कोई मैच होगा या फिर कोई प्लेयर आएगा, ये तो देखने वाली बात होती है। दोस्तों आपका इस बारे में क्या है कहना, हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।